वक्त की साबका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल ने अपने घर के टूटने और उसकी खुशियां खा जाने वाले नाम के बारे में खुलकर बात की। बुशरा इकबाल ने अपने हंसते बंसते घर को उजाड़ने वाले इंसान के बारे में अपने ट्विटर पर लिखा, कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं, दूसरों की जिंदगी में आते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। फिर उन्होंने दुआ आमिर, अहमद आमिर और आमिर लियाकत की तस्वीरें टूटे दिल के इमोजी के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की। इन तीन चेहरों की खुशियों को इनकी जिंदगी के बिच्छू ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों याद रहे, आमिर लियाकत की दूसरी और साबका अहलिया सईदा तूबा अनवर ने एक ड्रामा सीरियल बिच्छू में एक नेगेटिव रोल अदा किया है। सईदा तूबा अनवर ने इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर अदा किया जो हर किसी की जिंदगी में जहर घोल कर उसको जहन्नम बना रही होती है। दोस्तों ड्रामे के एंड में तूबा का अंजाम एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है। ड्रामा ऑनियर होने के बाद तूबा अनवर को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। लोगों का कहना था कि तूबा अनवर असल में भी एक बिच्छू ही है क्योंकि इसने एक हंसते बसते खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया और अब आमिर लियाकत को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। जैसे ही बुशरा इकबाल ने बिच्छू वाली पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की तो लोगों ने डॉक्टर बुशरा इकबाल का साथ देते हुए कहा कि वाकई ही तूबा अनवर इनकी जिंदगी के लिए एक बिच्छू साबित हुई है। फैंस का कहना था कि तूबा अनवर को कभी भी आमिर लियाकत को भूलना नहीं चाहिए, आमिर लियाकत की वजह से ही तूबा को फेम मिला और एक्टिंग कैरियर बना। दोस्तों आप किस बारे में क्या राय है, क्या वाकई तूबा आमिर लियाकत की जिंदगी में एक बिच्छू साबित हुई? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।